गाइज, मैं ये वाला फोटो बनाने वाली हूँ। इसमें फुल फोटो बनाऊंगी, फिर मैं इसमें शेडिंग करूंगी। तो मैंने ये वाला फोटो ड्रॉ कर लिया है। मैंने ज़्यादा डिटेलिंग में ड्रॉ नहीं किया है, मैंने थोड़ी रफ सी ड्राइंग बना दी है। अब इसमें मैं धीरे धीरे शेडिंग करूंगी। और मैं जब भी कोई ड्राइंग बनाती हूँ तो पहले मैं उस फोटो को ब्लैक एंड वाइट कर लेती हूँ। तो मैंने ये ब्लैक एंड वाइट, अब मैं इसको जब बनाऊंगी तो मैं इसमें ब्लैक एंड वाइट करके बनाऊंगी, क्योंकि इससे ड्रॉ करना बहुत इजी होता है। इससे आपको पता चलता है कि कहाँ पे डार्क शेडिंग है, कहाँ पे लाइट है। तो ये मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट कर लिया है। तो ब्लैक एंड वाइट करने के बाद मैं अब इसको ड्रॉ करूँगी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कि डार्क कहाँ पे करना है, लाइट कहाँ पे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं जब भी कोई ड्राइंग बनाती हूँ या कोई भी फ़ोटो या पोर्ट्रेट बनाती हूँ, तो मैं हमेशा जो भी फ़ोटो देख के बनाती हूँ तो मैं पहले एक ग्राफ बना लेती हूँ, जैसे मैंने इसमें बनाया है। तो इससे ड्राइंग करने में मुझे बहुत हेल्प मिलती है। तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे बनाती हूँ। अब मैं धीरे धीरे फ़ोटो को बहुत ध्यान से देख के धीरे धीरे शेडिंग करूँगी। तो आप भी अगर कोई भी फ़ोटो बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो पहले आप बड़े ध्यान से उस पिक्चर को देखिए, कहाँ पे लाइट शेडिंग है, कहाँ पे डार्क शेडिंग है। तो आप उसी हिसाब से उसमें शेडिंग कर सकते हैं। इधर डार्क एरिया है, तो डार्क एरिया के लिए मैं पेंसिल से ज़्यादा चारकोल का यूज़ करती हूँ। उसके बाद उसको ब्लेंड कर देती हूँ। जैसे अब ये वाला एरिया है, तो यहाँ पे इधर इधर सारे में डार्क है, तो इसके लिए मैं चारकोल का यूज़ कर रही हूँ। एक बार मोटा मोटा जहाँ पर भी ये ज़्यादा डार्क है वहाँ पे चारकोल का यूज़ करके फिर मैं इसको ब्रश से ब्लेंड कर दूंगी। अब जो ये चारकोल का पाउडर है, जब भी हम चारकोल घिसते हैं तो ये बहुत सारा ब्लैक पाउडर हो जाता है। देखिए, मैं दिखाती हूँ। तो मैं इसी को ब्रश से उठा के स्केच में कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, या चारकोल पाउडर भी आते हैं।
जो ये वाला एरिया है, ये इस पिक्चर में इसमें सनलाइट आ रही है, तो मैंने इधर शेडिंग नहीं की है। या आप लाइट पेंसिल से शेडिंग कर सकते हैं, तो मैंने ये वाली जगह बिल्कुल खाली छोड़ दिया है इस इफ़ेक्ट को दिखाने के लिए, सनलाइट को दिखाने के लिए। तो सिंपल शेडिंग करने का, जैसे मैं इतनी देर से कर रही हूँ, पहले पेंसिल को पेंसिल से शेड करना है, हल्के 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 हाथ से लाइट पेंसिल चलानी है, उसके बाद ब्रश की हेल्प से आपको ब्लेंड कर देना है, या जिससे भी आप ब्लेंड करते हो। और जो ये वाइट एरिया आपको दिख रहा है, जितना भी ये वाइट एरिया है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये टॉम्बो की मैकेनिकल ज़ीरो इरेजर है, जो बहुत ही कमाल की है, जिसे आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अगर इससे कोई कहीं पे भी वाइट एरिया, जैसे अब मैं यहाँ पे हेयर बनाऊंगी, तो आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि इससे किस तरीके से मैं हेयर वगैरह या लाइट, मतलब लाइट एरिया जो है, उसको कैसे हाईलाइट करती हूँ। तो देखिए।